हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने लेके एक नई ट्रिक की वीडियो। आज की वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट GI टैग, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो GI टैग आप कभी नहीं भूलेंगे। पिछली वीडियो जो ट्रिक की वीडियो थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी ने नहीं देखी तो। उसमें हमने कवर किया था जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनको ट्रिक से याद किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, और ना लगे तो प्लीज़ इसे डिसलाइक करना, और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने वीडियो क्यों डिसलाइक की है। तो चलिए स्टार्ट। हमारा टेलीग्राम चैनल है @itsgkguru। फिर से रिपीट कर देता हूँ, @itsgkguru। आप टेलीग्राम में जाके ये सर्च करना @itsgkguru, वहाँ से आप हमारी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की जो मशहूर दार्जिलिंग की चाय है उसे GI टैग मिला था 2004 में। और GI टैग का स्लोगन है जो, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। फिर से रिपीट करता हूँ, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कंदमाल हल्दी को किस राज्य से GI टैग मिला है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। कंदमाल हल्दी उड़ीसा की है। तो फ्रेंड अब इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। कंदमाल, कंदमाल से हमें याद करना है कंधे पे माल, कि जिसके भाई कंधे पे माल होगा, जो माला माल होगा वो क्या करेगा, उड़ीसा उड़ता रहेगा, हवा में आ जाएगा कि मेरे पास इतना पैसा है तो उसके तो तेवर भी बदल जाएंगे। तो इससे हमें याद रहेगा कि कंदमाल, कि जिसके कंधे पे माल होगा तो वो बंदा उड़ीसा उड़ता रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इरोड़ हल्दी। इरोड़ हल्दी जो तमिलनाडु की है, इसको हम आप कैसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए तमिलनाडु, देखिए इसके अंदर ही वर्ड मिल रहा है मिलना। मिलना कहाँ, मिलना इस रोड पे, कि मुझे भाई इस रोड पे मिलना, मैं जब तुम्हें फ़ोन करूँ तो तुम इस रोड पे आ जाना। तो क्या है इस रोड हल्दी, सॉरी इरोड़ हल्दी। तो इरोड़ हल्दी का टैग किसे मिला है, तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है सांगली हल्दी। सांगली हल्दी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। सांगली, सांगली से संग लो, मुझे भी संग लो, कह रहा है बच्चा अपनी माँ को कि माँ मैं भी आपके साथ राष्ट्र जाऊँगा, मुझे भी माँ राष्ट्र जाना है, मुझे भी संग लो। तो संगली हल्दी कहाँ की होगी, महाराष्ट्र की, कि माँ मैं भी आपके साथ महाराष्ट्र चलूँगा, मुझे भी संग लो। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आती है कुल्लू शॉल। जो कुल्लू का शॉल है वो किस राज्य का है, हिमाचल प्रदेश का। ये तो वेरी इजी है कि कुल्लू मनाली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में ही है, और वैसे भी हिमाचल में काफ़ी ठंड होती है तो हमें शाल की या स्वेटर की ज़रूरत होती है। तो कुल्लू शाल से हिमाचल प्रदेश इजीली याद हो जाएगा। फ्रेंड मेरा मोटिव यही है कि आपको किसी तरह से ट्रिक से याद करा दूं। आपको अभी कुछ अजीब लगता होगा पर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अल्फांसो आम। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे कि महाराष्ट्र का ही है ये अल्फांसो आम। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है वॉर्लंग की दरी। ये कहाँ की है, तेलंगाना। अब तेलंगाना से देखो कैसे ट्रिक बनाएंगे। तेल लगाना, अब देखो तेल और पीछे लगाना, तेल लगाना मतलब चूना लगाना, कि आंटी ने एक दरी ली थी, दरी बेचने वाला आया था, कह रहा था कि वरंगल की दरी है आंटी, बहुत महंगी है, मैं आपको सस्ते में दे दूँगा। तो क्या है, सस्ते का बोल के आंटी जी को चूना लगा गया, तेल लगा गया। तो वरंगल की दरी कहाँ की हो गई, तेलंगाना की, तेल लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी नाम से ही पता चल रहा है, तो कहाँ की है, बनारस की। काफ़ी इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है बोसा सोल चावल, ये है असम का, असम से इसे जीआई टैग मिला है। फ्रेंड्स बोसा सोल चावल के बारे में बता दूं, ये ऐसे चावल होते हैं जिन्हें हम बिना पकाए खा सकते हैं। तो क्या कहता है कि बोस ये चावल देखो इसे हम बिना पकाए खा सकते हैं, तो बोस बोलता है असम असंभव, ये कैसे हो सकता है कि इसे चावल को हम बिना पकाए खा सकते हैं। तो बोसा सोल चावल, बोस ये चावल हम बिना पकाए खा सकते हैं, तो बोस कहता है असंभव, ऐसे कैसे खा सकते हैं, असंभव से हमें क्या याद करना है, असम। तो बोसा सोल चावल किसका हो गया, असम का। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है कड़कनाथ मुर्गा, ये मिला है मध्य प्रदेश को, कड़कनाथ मुर्गा। तो अब क्या है, जो मुर्गे खाते हैं वो कहते हैं कि मुर्गा अगर कड़क बनाना हो तो उसे क्या है, मध्यम आंच पे पकाओ, तभी तो वो कड़क बनेगा, तभी तो टेस्टी बनेगा। तो क्या है, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, मध्यम आंच पे पकाओ भैया इसे, तभी तो मुर्गा कड़क बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेबिका कॉफ़ी, कहाँ की है, कर्नाटक की, कर्नाटक की अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग मिला है। तो क्या है, जब कॉफ़ी बेचने वाला आया तो एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है अरे भाई कोई कॉफ़ी का पैकेट बिका के नहीं बिका, अरे बिका कॉफ़ी कोई। तो कॉफ़ी वाला कहता है, नाटक करता है कि अरे साहब कुछ नहीं बिका, आप ही ले लो, सवेरे सवेरे किसी ने नहीं लिया अभी तक कॉफ़ी का कोई भी पैकेट। तो क्या इससे क्या याद रखेंगे कि कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कहाँ की है, कर्नाटक की। कि कॉफ़ी वाला नाटक करने लग गया कि साहब किसी ने नहीं लिया अभी तक, और बूढ़ा व्यक्ति कहता अरे बिका कोई कॉफ़ी का पैकेट। तो इस तरह से अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक की। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है वाई नॉट रोबोस्टा कॉफ़ी, ये है केरल की। अब इसे कैसे याद करेंगे, हमें पता है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, केरल की सबसे पहले नंबर पे आती है, तो वहाँ के स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट हो गए। तो मैंने एक से पूछ लिया कि रोबस्टा कॉफ़ी पिएगा क्या, मैंने तो हिंदी में बोला और वो कहता वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं पीऊँगा, पीऊँगा ज़रूर पीऊँगा। तो उसने क्या बोला, वाई नॉट, इंग्लिश में बोला वाई नॉट। तो इससे हमें क्या याद होगा, वाई नॉट रोबस्टा कॉफ़ी कहाँ की है, केरल की, क्योंकि केरल में क्या है, शिक्षा पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट वहाँ पर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरकू कॉफ़ी, ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, आंध्र से हमें बनाना है अंधा। तो व्यक्ति कहता है अरे भगवान अरे क्यों, अरकू से अरे क्यों मुझे अंधा बना दिया, मुझे भी सर की जीआई टैग वाली ट्रिकी वीडियो देखनी थी, मैं तो कैसे देखूंगा, मुझे तो अंधा बना दिया, अरे क्यों, अरे क्यों भगवान। तो क्या है, अरकू से अरे क्यों, अंधा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी है तमिलनाडु की। तो हमने पढ़ा तमिलनाडु पे पहले इरोड हल्दी, कि मुझे इस रोड पे आके मिलना, तो अब जो वो मिलने आई तो क्या पहन के आई, सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी पहन के मिलने आई। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है मयूर गुड़, मयूर गुड़ ये है केरल का। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं, तो हमने पढ़ा था कि क्या ट्रिक थी, कि केरल से उसे करेला खाने को बोला था और वो क्या कहता है कि मुझे कितनी भी मणि दे दो मैं करेला नहीं खाऊंगा। तो क्या था, एस मणि कुमार। तो उसे क्या है, ज़बरदस्ती खिला दिया करेला, अब खिला दिया तो वो क्या कहता है, मर गया रे भाई, गुड़ दे दो मुझे, मर गया, मुंह ख़राब हो गया मेरा तो सारा करेला खा के। तो क्या है, मयूर गुड़, मर गया रे भाई गुड़ दे दो। तो ये कहाँ का हो गया, केरल का, केरल से करेला। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट भी इसी के साथ है, जब उसे करेला खुआया तो उसे क्या है, जो रात में भी अंबर जो नीला दिखाई देने लगा, वृक्ष नीलंबर टीक, ये भी कहाँ का हो गया, केरल का, केरल से करेला। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी कहाँ की है, कर्नाटक की। तो इसे कैसे याद करेंगे, कि कहते हैं कि जीके वाले जो सर हैं, जो ट्रिक से कराते हैं, सर आप ही सुपर हो, बाकी तो यूट्यूब पे ऐसे ही नाटक करते रहते हैं,
कि इसे याद करवा दूंगा आपको ट्रिक से। सर आप ही सुपर हो, तो सिर सी सुपारी से कर्नाटक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है छाऊ मकोटा। छाऊ मकोटा है पश्चिमी बंगाल का। अरे भाई, किसी ने बंगला बनाया, इतना अच्छा पैसे लगाए, तो मैंने बोल दिया कि भाई इस पे तो कोई मकोटा लगा दे ताकि तेरे बंगले को नज़र ना लगे। तो इसे मकोटा, छऊ मकोटा, कि तूने बंगला तो बना लिया, अब इस पे एक मकोटा भी लगा दे ताकि तेरे बंगले को नज़र ना लगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी इसी के साथ ही रिलेट करेगा। देखिए, जब उसने बंगला बना लिया तो वो कहता है कि मैं तो भंडारा करूँगा गोविंदो भोग चावल का, भगवान गोविंद को मैं तो भंडारा करूँगा उसके नाम से, कि मेरा बंगला बन गया और अब सभी को भंडारा दूंगा, भंडारे में चावल खिलाऊंगा सभी को। तो गोविंदो भोग चावल से हम पश्चिमी बंगाल, इस तरह से इसे याद करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप मुझे बताएंगे, वैसे तो सिंपल ही है, रसगुल्ला उड़ीसा। अगर आपको कोई इसी ट्रिक मिले तो प्लीज़ कमेंट में बताना, अगर ना आपको याद हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आ गई कोल्हापुरी चप्पल। नेक्स्ट आ गई कोल्हापुरी चप्पल। हमने महाराष्ट्र का पढ़ा था कि वो बच्चा कहता है कि मुझे भी संग ले चलो, सांगली हल्दी, माँ मुझे भी महाराष्ट्र अपने संग ले चलो। तो जब बच्चा महाराष्ट्र चला गया, अब चलते ही वहाँ पे क्या करने लगा, नाटक, कर्नाटक से नाटक करने लगा कि मम्मी मुझे तो कोल्हापुरी चप्पल चाहिए, मुझे तो कहीं से ला के दो। तो वहाँ पे क्या मिलनी थी, मम्मी ने अपनी चप्पल उतारी और हो गई स्टार्ट। तो क्या है, हमें क्या है कोल्हापुरी चप्पल से क्या याद करना है, कि कोल्हापुरी चप्पल किसका जीआई टैग है, महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिला है कोल्हापुरी चप्पल का टैग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कतरनी चावल। अब कतरनी चावल, कतरनी चावल से याद करना बिल्कुल इजी है, बिहार से हमें याद करना है बाहर। अब कतरनी चावल, तो चूहा घर के अंदर आके सारे चावल कतर गया, तो हमने क्या कहा कि चूहे अब बाहर निकल जा, वरना मैं तो ऐसी दवाई लेके आऊँगा तो खुद ब खुद बाहर निकलेगा। तो कतरनी चावल से क्या याद रखना है, बिहार बाहर निकल। नेक्स्ट पे भी देखो। नेक्स्ट है मगही पान। तो क्या है, जब बेटा पान खा के घर आया तो मम्मी कहती बाहर निकल, घर पे पान खा के आता है तू, तेरे पापा को बताऊंगी फिर पता चलेगा तुझे। तो क्या है, मगही पान से बिहार बाहर निकल। नेक्स्ट पे आते हैं शाही लीची। अब क्या है, वो सारी लीची भी खा गया जो उसके पापा लेके आए थे, सारी लीची भी खा गया। तो उसकी मम्मी कहती बाहर निकल, तू तो काफ़ी भुक्कड़ है, सारा सामान खा गया घर का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जर्दालू आम। अब देखिए, इतने महंगे आम लेके आए थे, अब वो भी खा गया, तो वो भी खा गया, तो उसकी मम्मी कहती तू तो अब बाहर निकल, सारा कुछ खाया जा रहा है। तो क्या है, जर्दालू आम से क्या हो गया, उसका आंसर बिहार। नेक्स्ट पे चलते हैं सिलवा खाजा। अब उसकी मम्मी इतनी तंग आ गई उससे कि सब कुछ खा जा, कहने लगी कि घर में बाकी जो बचा है उसे भी खा जा। तो ये भी क्या है, बाहर तो मैं तुम्हें निकालूंगी, ये भी खा जा, साथ में ले जा। तो इससे भी क्या है, बिहार, सिलवा खाजा का भी बिहार। तो इसी के साथ हमने 20-25 जीआई टैग है जो ट्रिक से कवर किए हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी टॉपिक की ट्रिक चाहिए, मतलब कि आपको याद नहीं हो रहा, आपको ट्रिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक यहाँ तक जो चल के आया है, वीडियो देखता देखता आ ही गया है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाए और मुझे कमेंट करके बताए कि वीडियो कैसी लगी है आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।